OMG, इट्स लिटरली OMG एंड इट्स रियली वेरी मच शॉकिंग। क्यों? क्योंकि प्रतीक सहजपाल के बर्थडे को लेकर अब सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी हो गई है, एक्सपोज्ड, रिवील्ड, इस तरीके की बातें। आइए इस वीडियो में बताता हूं कि आखिरकार क्या हुआ है। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो झटपट कर लीजिए। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि कल का दिन जो था, राइट, कल का दिन था 18 दिसंबर का दिन, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हैप्पी बर्थडे प्रतीक सोशल मीडिया पे छाया हुआ था, जिसे 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट करके, रिट्वीट करके आगे बढ़ाया। और ये हैप्पी बर्थडे प्रतीक, ये प्रेरणा दीदी ने भी किया, सब ने किया, राइट, सब तरीके से उसे विशेज मिले, सेलिब्रिटीज़ के भी विशेज मिले। लेकिन ये क्या, इस हैप्पी बर्थडे के पीछे दोस्तों अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई है। जी हाँ, बताना चाहता हूँ कि हैप्पी बर्थडे प्रतीक जो है क्या वो फर्जी था। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग गूगल करेंगे और उसमें प्रतीक सहजपाल बर्थडे टाइप करेंगे तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो प्रतीक सहजपाल का जो एक्चुअल बर्थडे आ रहा है वो है May 12, 1993। जी हाँ, ये देखिए स्क्रीनशॉट, तो वो क्या था, 18 तारीख को क्या वाकई में 18 दिसंबर को ये पब्लिसिटी स्टंट था या फिर क्या, दोस्तों पता नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि इट्स जस्ट बिकॉज प्रतीक अभी बिग बॉस के घर में, इसलिए पब्लिसिटी स्टंट खेला जा रहा है और इसी वजह से प्रतीक सहजपाल के बर्थडे को इस तरीके से अभी मना दिया गया है। पता नहीं दोस्तों इसके पीछे असलियत क्या है, या तो हो सकता है सोशल मीडिया पे कभी गलत भी डाल देते हैं, राइट, तो हो सकता है वो गलत हो। अगर आप देख लो, आप अभी गूगल करके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो लोग इसी पर आवाज़ उठा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। आप लोगों को क्या है कहना, कॉमेंट कीजिए, बताइए मुझे। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स।